शनिवार को साईं बाबा का जन्म दिवस पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में साईं इंजीनियरिंग फाउंडेशन न्यू शिमला ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शनिवार को साईं बाबा के जन्म दिवस के मौके पर साईं इंजीनियरिंग फाउंडेशन न्यू शिमला ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साईं इंजीनियरिंग फाउंडेशन के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम के दौरान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में शिमला कमला नेहरू अस्पताल से आई डॉक्टर की टीम ने अपनी सेवाएं दी। वहीं इस मौके पर संस्था द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था, साथ ही साईं बाबा का गुणगान भी इस दौरान किया गया। इस अवसर पर साईं बाबा के भजन प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने माहौल को भक्तिमय बना दिया। साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के सदस्य अजय ठाकुर ने बताया कि साई बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान साल भर अच्छा कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। जी, आज साई बाबा का बर्थडे होता है, तो हर वर्ष की तरह इस उपलक्ष्य पर हम रक्तदान शिविर का, भजन का और भोजन का आयोजन करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में इस बार भी हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 यूनिट से 100 यूनिट के बीच में ब्लड डोनेशन के सिवाय अभी भजन शुरू हो चुका है, जो कि बाबा बर्थडे के उपलक्ष्य में है, और उसके बाद फिर नारायण सेवा की जाएगी। सभी लोग भंडारे के रूप में यहाँ पे आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे स्टाफ के लोग हैं जिन्होंने पूरे वर्ष में अच्छा काम किया है, फिर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।